सो हे गाइस, मैं हूं विशाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारा अपडेट है फ्रॉम ऑल ओवर द यूट्यूब इंडिया कम्युनिटी। बहुत मेहनत लगता है गाइस वीडियो को बनाने में, एडिट करने में, तो आप लोग सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो यार, इतना तो कर ही सकते हो अपने भाई के लिए। तो गाइस, आज का पहला अपडेट हमारे पास है ट्रिगर्ड इंसान के तरफ से। ट्रिगर्ड इंसान ने ट्विटर पे ट्वीट शेयर किया था सर्कस मूवी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, और उन्होंने लिखा था कि वॉच्ड सर्कस, नथिंग टू से एक्सेप्ट आई कांट बिलीव रणवीर सिंह एक्चुअली एग्रीड टू बी पार्ट ऑफ दिस, फुल रिव्यू इन द नेक्स्ट स्ट्रीम। तो हो सकता है उनका जो अगला वीडियो हो वो सर्कस मूवी के ऊपर ही रिएक्शन वीडियो बना दे। तो उसके नीचे एक बंदे ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि भाई रिएक्शन चैनल खोल लो, स्ट्रीम में भी अच्छा लगता है, मगर फुल वीडियो मिल जाए रिएक्शन वाली तो मजा आ जाए। तो उसके नीचे ट्रिगर्ड इंसान ने रिप्लाई दिया, हम सोचते हैं भाई फिलहाल तो स्ट्रीम में ही करते हैं, मे बी फ्यूचर में TI चैनल को ही रिव्यू चैनल बना दे। तो हो सकता है उनका जो TI चैनल है उसको वो रिएक्शन चैनल ही बना दे, मतलब मूवीज और का रिएक्शन करेंगे वहाँ पे, पर्टिकुलरली डेडिकेटेड वीडियो ही बनाएंगे वहाँ पे, हो सकता है सब कुछ। तो गाइस, कहते हैं ना हर जगह पॉजिटिव बंदा भी होता है तो एक आध नेगेटिव बंदे भी होते हैं। तो एक ट्विटर यूजर था, उसने एक कमेंट किया ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर कि भाई तूने ये मूवी देख ली तो बेकार ही होगी, और उसके नीचे ट्रिगर्ड इंसान ने भी थोड़ा सा शायद एंग्री हो गए थे वो। तो गाइस, उसके नीचे ट्रिगर्ड इंसान ने भी उस बंदे को रिप्लाई देते हुए लिखा था कि हाँ यार तेरा ट्वीट भी देख लिया, वैसे तो मतलब थोड़ा सा देख ही सकते हो मामला थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है यहाँ पे। तो हे गाइस, अगला अपडेट हमारे पास क्रिकेट की तरफ से है। तो T20 इंटरनेशनल कप्तान जो अभी बने हैं वो है हार्दिक पांड्या, श्रीलंका में जो सीरीज होने वाला है उसको लीड करने वाले हैं, और रोहित शर्मा T20 ODI के जो कैप्टन थे वही है। KL राहुल को स्टेप डाउन करवा दिया गया है अपने उप कप्तानी से, मे भी हो सकता है कि उनका शादी होने वाली है सुनील शेट्टी की बेटी से, तो इस चक्कर में उनको उप कप्तानी से हटाया गया है। बताना जरूर, मैं कुछ इसके ऊपर कमेंट नहीं करने वाला कि उनको क्यों हटाया गया है, मे भी हो सकता है कि उनके परफॉर्मेंस के लिए भी हटाया जा सकता है। तो गाइस, अगला अपडेट हमारे पास मिस्टर बीस्ट की तरफ से है। मिस्टर बीस्ट एक ट्वीट शेयर किया अपने ट्विटर पे और उन्होंने लिखा है कि अराउंड 1% ह्यूमन बीइंग उनके वीडियोस को देखते हैं, तो टोटल 8 बिलियन लोग हैं पूरे दुनिया में और उसमें से 1 बिलियन लोग उनके वीडियोस को वॉच करते हैं, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा ये व्यूअरशिप है। तो हे गाइस, अगला अपडेट हमारे पास मेसी और फीफा वर्ल्ड कप की तरफ से है। आफ्टर विनिंग फीफा वर्ल्ड कप, मेसी का जो पोस्ट है वर्ल्ड कप के साथ वो सबसे ज्यादा लाइक किया जाने वाला पोस्ट बन गया है, और उन्होंने अंडे का जो फोटो था उसको तो पीछे छोड़ ही दिया। अभी जो टॉप 3 की अगर लिस्ट देखे तो उसमें टॉप 3 जो पोस्ट है वो मेसी का ही है, तो उनके जो फैन फॉलोइंग है वो इनसेन है, आप देख ही सकते हो। तो पहला फोटो में 72 मिलियन लाइक्स है, दूसरे में जहाँ पे वो बेड पे है अपने वर्ल्ड कप के साथ उसमें 52 मिलियन लाइक्स है, और उन्होंने तीसरा जो फोटो डाला था प्लेन में बैठ के वो भी 40 मिलियन लाइक्स के साथ है। बाप रे, इतना तो सोच ही सकते हो आप कितना इनसेन है ये रिकॉर्ड। सो हे गाइस, अगला अपडेट हमारे पास पायल जोन की तरफ से है। पायल जोन का जो कंट्रोवर्सी है रोनी के साथ वो तो अभी काफी ज्यादा हाईलाइट में है, तो इसी के ऊपर ज्ञानी 2.0 ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि पायल जोन को कुछ पैसे मिलने वाले थे रोनी के जो कंटेंट को यूज करने का, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसी के ऊपर कमेंट करते हुए पायल जोन ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने ज्ञानी 2.0 को काफी ज्यादा बुरा भला सुनाया, आप देख ही सकते। शादी में अब्दुल्ला दीवाने यूट्यूबर्स है, ये क्यों बोल रहे हैं भाई, तुम्हें क्या मतलब है यार, तुम्हें मैंने कुछ बोला है? ये जो बीच में घुसे जा रहे हैं, बीच में कूदे जा रहे हैं, इनके साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता, इनके साथ कोई मुंह नहीं लगता है, तो ये मेरी कंट्रोवर्सी में कूद रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने कल बहुत सारी वीडियोस देखी है, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई है, गालियां बक रहे हैं मेरे को वीडियो बना बना के, चलो ठीक है। मैंने एक बंदे की वीडियो देखी, उसका नाम है ज्ञानी, ज्ञानी 2.0, नाम रखने से कोई ज्ञानी नहीं होता पहली बात तो, इस बंदे ने अपने नाम ही खुद ही रख लिया ज्ञानी। इस बंदे ने वीडियो बनाई है मेरे ऊपर और रोनी की जो कंट्रोवर्सी हो रखी है उसने वीडियो बना दी, चलो ठीक है भाई तेरी राय है, तूने अपनी राय दी, बहुत अच्छी बात है तूने अपनी राय दी। वीडियो के अंदर इसने इतना झूठ बोला है, इस बंदे ने इतना सफेद झूठ बोला है वीडियो के अंदर, इसने ऐसे बोला है कि पायल जोन ने अपनी वीडियो में बोला है कि मैं रोनी को पैसे, भाई ज्ञानी मेरी बात सुन, अगर तूने मेरे को ये दिखा दिया ना कि मैंने अपनी वीडियो में कहां ये बोला है कि मैं रोनी को पैसा दूंगी, उसका वीडियो मैंने इस्तेमाल किया है, मैं अपने दोनों चैनल डिलीट कर दूंगी, पायल जोन एक्स्ट्रा, वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी के अभी अपना चैनल डिलीट कर दूंगी जब तू मेरे को ये दिखा देगा कि मैंने कहां पे ये चीज बोली है कि मैं रोनी को पैसा दूंगी। मैंने कभी ये बात नहीं बोली है, ये बंदा सफेद झूठ बोल रहा है कि मैं। सो हे गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यार बहुत मेहनत लगता है वीडियो को एडिट करने में, रिकॉर्ड करने में।